हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास। कुछ पे कुछ इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए तो राइट ए नोट पॉइंट हियर, कुछ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम के बारे में करेंगे, उससे पहले समझिएगा, जैसे कि मैंने कुछ डिस्कशन किया था ऑलरेडी, आपको याद होगा सभी को। जैसे मान लीजिए मुझे अगर इम्पल्स सिग्नल डेल्टी को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। इम्पल्स सिग्नल को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दैट मीन्स डेल्टी इज इक्वल टू वॉट, DU/DT। ओके, एंड वी ऑल्सो रिलेट यूनिट स्टेप सिग्नल लाइक दिस, माइनस इनफाइनाइट टू टी डेल्टी DT। ओके, ये रिलेशंस हमारे दिमाग में है। अब अगर मान लीजिए मैं कोई एक LTI सिस्टम अज्यूम करूं, इससे कुछ कंक्लूजन मुझे आपको बताने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर कोई एक LTI सिस्टम अज्यूम करूं, इसको पॉज करके स्क्रीन नोट करके आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज वी हैव टेकन एन LTI सिस्टम, ऑन दैट LTI सिस्टम, दिस इज अ LTI सिस्टम हुज इंपल्स रिस्पॉन्स इज वॉट, H(t)। हमने इस LTI सिस्टम पर एक इनपुट अप्लाई किया F(t), जिसकी वैल्यू है सपोज Δt, इंपल्स इनपुट है। ओके, तो जो आउटपुट हमारे पास जनरेट होता है वो क्या जनरेट होता है, H(t) जनरेट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, H(t) को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। वी से इट इज इंपल्स रिस्पॉन्स। ओके, अब अगर बिकॉज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ऑब्टेन्ड बाय द इंपल्स इनपुट, वी से इट्स इंपल्स इनपुट, इंपल्स रिस्पॉन्स। ओके, अब अगर मान लीजिए इसी LTI सिस्टम पर मैं यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर दूं, on the same LTI system, if I'm going to apply the unit step input, okay, तो यहां पर जो response generate होता है उसे हम ऐसे denote करते हैं ST, that is called step response। क्या बोलते हैं इसे हम, that is called step response, response of the system which is obtained by applying step input, that we say it is a step response। okay, UT दिया तो ST जनरेट हो गया, डेल्टी दिया तो HFT जनरेट हो गया। अब सिंस वी नो द रिलेशन बिटवीन डेल्टी एंड UT इज वॉट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टी इज इक्वल टू वॉट, DU/DT, एंड UT इज इक्वल टू वॉट, माइनस इनफाइनाइट टू टी डेल्टी DT। क्लियर है, दिस इज UT एंड दिस इज द डेल्टी, UT डेल्टी रिलेशन। ओके, क्या हम इसी रिलेशन के बेसिस पर, जैसे हमने बोला कि डेल्टी इज इक्वल टू है DU/DT, ऑन दैट रिलेशन वी से कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स H(t) होगा, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। यस, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टेप रिस्पॉन्स एंड इंपल्स रिस्पॉन्स, रिलेशन बिटवीन स्टेप रिस्पॉन्स एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स और इंपल्स रिस्पॉन्स के बिटवीन ये क्या है, रिलेशन है, H(t) इज इक्वल टू DS/DT। सिमिलरली हम यहां से एक और रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं बिटवीन स्टेप एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑल्सो, जो कि हमने जैसे यहां पर लिखा कि UT इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू टी DT। सिमिलरली हम यहां से बोल सकते हैं कि जो स्टेप रिस्पॉन्स होता है ST इज इक्वल टू होगा माइनस इनफाइनाइट टू टी HT/DT। ये दोनों हैं रिलेशन बिटवीन स्टेप एंड इंपल्स रिस्पॉन्स, ये दोनों ही, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत रिलेटेबल है, जैसे हम इनपुट को रिलेट कर रहे हैं, जैसे डेल्टी एंड UT आर रिलेटेड, सिमिलरली वी हैव रिलेटेड इंपल्स रिस्पॉन्स H(t) एंड स्टेप रिस्पॉन्स S(t)। क्लियर है, दोनों को सिमिलर मैनर में हमने यहां पर रिलेट कर दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। द फॉलोइंग सिग्नल्स डिफाइंस द स्टेप रिस्पॉन्स एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन LTI सिस्टम। ये कुछ स्टेप रिस्पॉन्स या इंपल्स रिस्पॉन्सेस दिए गए हैं एक सर्टेन LTI सिस्टम के। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, विच टू ऑफ दीज सिग्नल्स डिफाइन स्टेप रिस्पॉन्स एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सेम LTI सिस्टम।
इसमें से कौन से दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो किसी एक ही एलटीआई सिस्टम के स्टेप रिस्पांस और इंपल्स रिस्पांस का कॉम्बिनेशन है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, सो स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, बट आप लोग एक बार इसे सॉल्व करें। सो चलिए सॉल्व करें इसको। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर बोला गया है कि कोई भी दो कॉम्बिनेशन एक दूसरे के, एक जैसे मान लीजिए किसी भी एलटीआई सिस्टम का एक स्टेप रिस्पांस है और एक इंपल्स रिस्पांस है। ओके, ये कॉम्बिनेशन कोई दो है। अब जो डेल्टी के टर्म्स में, जैसे ये डेल्टी के टर्म्स में, ये डेल्टी के टर्म्स में, तो मैं इन दोनों को अज्यूम करके चलता हूं कि ये किसी सिस्टम के इंपल्स रिस्पांस रहे होंगे, और जो यूटी के टर्म्स में है उन्हें हम मान के चल रहे हैं। जैसे ये यूटी और डेल्टी दोनों के टर्म्स में है, ये यहां पर जो है वो क्या है, यूटी के ही टर्म्स में है, तो मैं इनको मान के चल रहा हूं कि ये है इसके। यहां पर जैसे हम जो रिलेशन की बात करते हैं, देखिए ये रिलेशन है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, डी एस बाई डी टी, यानी कि स्टेप रिस्पांस को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, एच टी बनेगा। एच टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, एस टी बनेगा। अगर मैं इस एस ऑफ टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो आप एक चीज समझिएगा, इंपल्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, डबलेट फंक्शन आता है, डेरिवेटिव ऑफ डेल टी। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों जो है थर्ड एंड फोर्थ इंपल्स रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी सॉरी यहां पर स्टेप रिस्पॉन्स तो ये दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव अगर हमने किया तो एच ऑफ टी आता है, जो कि यहां पर डिफाइन है फॉर्मूले से। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसको डिफरेंशिएट अगर मैंने कर दिया थर्ड को, तो डेल्टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डबलेट फंक्शन आएगा। तो थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट में ऐसा कुछ डबलेट फंक्शन है नहीं, तो हम यहां पर क्या मान सकते हैं, ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम फर्स्ट इज स्टेप रिस्पॉन्स। पहले वाले को मैंने क्या मान लिया कि स्टेप रिस्पॉन्स है, किसी भी सिस्टम का हो सकता है। तो हम इसके लिए फाइंड करते हैं अब एच ऑफ टी की वैल्यू। ओके, तो एच ऑफ टी क्या होता है, डी एस बाय डी टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ स्टेप, सिंस ये रिलेशन हमें मालूम है। तो यहां से अगर मैं सीधे सॉल्व कर दूं इसको, देखिए फर्स्ट वाले का क्या दिया, एस टी इज इक्वल टू फाइव माइनस, ये दिया गया कुछ है ना, तो एच ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ दिस 5 यू टी माइनस 4 ई ऑफ माइनस 2 टी यू टी, यहां पर कंबाइंड है यू टी, ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 5 यू टी क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 5 डेल टी आ जाएगा, माइनस अब इसमें 4 ई ऑफ माइनस 2 टी अलग है, यू टी अलग है, तो एक बार 4 ई ऑफ माइनस 2 टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यू टी को एज इज रखेंगे, दूसरी बार यू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे और 4 ई ऑफ माइनस 2 टी को एज इज रखेंगे। देखिएगा तो 4 ई ऑफ माइनस 2 टी को डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा, माइनस 8 ई ऑफ माइनस 2 टी आ जाएगा, यू टी एज इज रहेगा यहां पर। ओके, प्लस 4 ई ऑफ माइनस 2 टी को एज इज रखेंगे, यू टी का करेंगे तो क्या आएगा, डेल टी। ये आंसर हमारे पास आ गया। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली रीअरेंज करके देखते हैं। देखिए एच ऑफ टी इक्वल टू क्या आएगा, यहां से 5 डेल टी माइनस माइनस दिस माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 ई ऑफ माइनस 2 टी यू टी और ये माइनस अब फिर से यहां पे आ जाएगा माइनस 4 ई ऑफ माइनस 2 टी। देखो यहां पर कितना आ गया, ये आ गया इतना डेल टी। अब डेल टी में आपको मालूम है t इज इक्वल टू जीरो पर ही इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो e ऑफ माइनस 2t का सिर्फ हम t इक्वल टू जीरो की वैल्यू को इन्वॉल्व करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, 5 डेल टी प्लस 8 e ऑफ माइनस 2t ut माइनस 4। अब t इज इक्वल टू जीरो पर ही इसकी वैल्यू का सिग्निफिकेंस है, जो डेल टी का मल्टीप्लाई किया गया फंक्शन है, जैसे मैं लिखता हूं ना एफ टी डेल टी, उसका इक्वल है क्या, एफ जीरो डेल टी, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पर ही एफ टी की वैल्यू का कुछ सिग्निफिकेंस होगा। तो ये जाएगा 4 डेल टी, यहां पर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4 डेल टी माइनस 5 डेल टी माइनस 4 डेल टी कितना जाएगा, डेल टी। तो ये आ गया डेल टी प्लस 8 ई ऑफ माइनस 2 टी यू टी, ये जनरेट हुआ है हमारे पास। क्या ये सेकेंड थर्ड या फोर्थ में किसी से मैच करता है, ओके कोई मैच नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट को हमने माना था स्टेप रिस्पांस, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड के। कोई दो को कंबाइन करना ना, कोई दो हो सकते हैं जो एक दूसरे से मैच करें। अब सेकंड को भी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, इसको स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से लिख लो, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेकंड की। सेकंड को भी मैं फिर से क्या मान रहा हूं, सेकंड को भी लेट्स अज्यूम सेकंड इज
स्टेप रिस्पॉन्स। फिर से हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर। ओके, तो सिंस एच ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, डीएस बाई डी टी, तो सेकेंड को हमने क्या माना है, स्टेप रिस्पॉन्स। यानी कि क्या दिया है इसकी वैल्यू, देखो 4 माइनस टू ई ऑफ माइनस थ्री टी यू टी, ये दिया गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो एच टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी ऑफ 4 माइनस क्या है, 4, अच्छा यू टी सभी में, 4 यू ऑफ टी माइनस 4 यू टी माइनस 2 ई ऑफ माइनस थ्री टी यू टी, 2 ई ऑफ माइनस थ्री टी यू टी, ये हमने लिख दिया, क्लियर है। देखिए अब हमें इसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, इसका पहला काम तो ये करना है, ठीक है ना। क्या होगा देखो, डी बाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 यू टी, 4 बाहर आ जाएगा, यू टी का क्या होगा डेल टी, माइनस अब इसका करो इतने वाले पार्ट का, तो इतने वाले पार्ट में माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव में क्या बचेगा, 2 ई ऑफ माइनस थ्री टी यू टी, क्लियर है। अब 2 ई ऑफ माइनस थ्री टी यू टी में एक बार 2 ई ऑफ माइनस थ्री टी यू टी का करेंगे, एक बार यू टी का करेंगे, तो जब इसका करेंगे तो वो एच डी रहेगा, उसको करेंगे तो ये एच डी रहेगा, जो होता है ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, वही अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका किया हमने, तो यहां पे आएगा माइनस 6 ऑफ माइनस 3t ut, ओके प्लस अब ये एजिटिज रहेगा और ut का आ जाएगा दोस्तों डेल t। बात समझ में आ गई इतनी यहां तक, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, ओके चलिए। तो ht को क्या लिखेंगे, देखो 4 डेल t माइनस 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 क्या प्लस हो जाएगा, ये 6 e ऑफ माइनस 3t ut, ओके और ये माइनस बाहर आएगा तो ये भी प्लस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 ई ऑफ माइनस 3 टी डेल टी। अब आपको पता है इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पर सिग्निफिकेंट है, तो हम टी इक्वल टू जीरो उसमें पुट करके देख सकते हैं। तो 4 डेल टी हमने पुट किया वहां पर टी जीरो, तो ये आ गया माइनस 6 ई टू पावर माइनस 3 टी यू टी और माइनस 2 डेल टी बच गया, ये क्लियर है। तो अब यहां से एच ऑफ टी की वैल्यू लिख देंगे हम 2 डेल टी प्लस 6 ई ऑफ माइनस 3 टी यू टी। अब जरा देखो इनमें से कोई ऐसा है जो मैच कर रहा हूं, कम टू द मेन फ्रेम, देखो 2 डेल टी 6 ई ऑफ माइनस 3 टी यू टी, यस फोर्थ। यानी कि अब कंक्लूजन क्या है फाइनल आंसर का, इसको स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट करेंगे आप, एंड नाउ विल राइट द फाइनल आंसर। द व्हाट विल बी द फाइनल आंसर नाउ, सेकंड एंड फोर्थ आर द स्टेप रिस्पॉन्स एंड इंपल्स रिस्पॉन्सेस ऑफ द सेम सिस्टम, क्लियर है। आंसर आ गया हमारे पास, क्या आंसर आया है, सेकेंड एंड फोर्थ आर द स्टेप एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सेम सिस्टम, नोट कर लें इस आंसर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब भाई हमने जो पूरा ऑब्जर्वेशन किया अभी आज की क्लास में, वो हमने किया किस पर, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम पर। अब आगे हम इसी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर डिस्क्रीट सेंस में देखते हैं तो जरा देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, राइट ए नोट हियर, यू एन और डेल एन में क्या रिलेशन है, पहली बात तो हम लिखते हैं कि डेल एन इज इक्वल टू जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यू एन माइनस वन होता है, ओके बहुत बढ़िया। अब हम बात करें कि यू एन को कैसे लिख सकते हैं, तो क्या मैंने ये सब डिस्कस करे हुए हैं ना, सब कुछ डिराइव करके बताया हुआ है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखें इन सब चीजों को। मैंने याद करने का भी सजेस्ट किया था आपको, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं हम इसको डेल ऑफ के, ये दोनों का रिलेशन है, दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन डिस्क्रीट टाइम इंपल्स सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम स्टेप सिग्नल, इन दोनों का ये क्या है, ये रिलेशन है, ओके। अब देखते हैं हम इसको डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम पर अप्लाई करके, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ फिलॉसफी है जो हमने कंटिन्यूअस सेंस में डिस्कस की। तो हमने ये कंसीडर किया एक एलटीआई सिस्टम जो कि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है, इंपल्स इनपुट यानी कि डेल एन अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्स ऑप्टेन होता है एच एन, ओके। अगर यू एन अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्स ऑप्टेन होता है एलटीआई सिस्टम का, उसे हम बोलते हैं एस एन, ओके। दोस्तों एच एन को हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ऑप्टेन बाय द इंपल्स इनपुट, इसे क्या बोला जाएगा, ऑब्वियसली इंपल्स रिस्पॉन्स बोला जाएगा, बिल्कुल सही है। एस एन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, एस एन इज बेसिकली टर्म्ड एज अ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ओके। यू एन हमने भेजा, आउटपुट एस एन मिल गया,
डेलन हमने भेजा, आउटपुट एच एन मिल गया। हम अगर बात करते हैं तो यू एन और डेलन में ये रिलेशन है, समेशन के फॉर्म में ये है, डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में ये है, यानी कि डेलन इज इक्वल टू वॉट, यू एन माइनस यू एन माइनस वन। तो क्या मैं यही रिलेशन यहां पर फॉलो कर सकता हूं? एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन जो है वो सुपरपोजिशन से बनेगी, समेशन भी क्या बनेगा, सुपरपोजिशन से बनेगा। तो हम डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं, यहां पर भी ये रिलेशन फॉलो होगा। यानी कि आई कैन से इंपल्स रिस्पॉन्स एच एन इज इक्वल टू होगा एस एन माइनस वन। पहला फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन इंपल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। दूसरा, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एस एन है दैट इज इक्वल टू समिशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एन एच एन। देखो यहां से बिल्कुल वही है, वही फॉर्मेट है, वही लिखने का तरीका है, एग्जैक्टली वही रिलेशन हमने यहां पर इनपुट साइड पर डिराइव किया, यही रिलेशन आउटपुट साइड पर भी वेरीफाई होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, आपको याद रखना है। ये क्या डिफाइन किया हमने, ये हमने डिफाइन किया रिलेशन बिटवीन स्टेप रिस्पॉन्स एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। ये किसके बिटवीन रिलेशन है, स्टेप रिस्पॉन्स और इंपल्स रिस्पॉन्स के बिटवीन। समझ में आया, एच एन इज इक्वल टू क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन इज इक्वल टू क्या है, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन एच एन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टेप एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। क्लियर है? चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। अ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम जनरेट्स रिस्पॉन्स 2.4 फॉर स्टेप इनपुट। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एक एलटीआई सिस्टम है उस पर अगर इंपल्स स्टेप इनपुट अप्लाई कर दिया जाए यूएन, तो ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसका मतलब क्या है, एसएन जनरेट होता है, ये है ना, जैसे हम यहां पर लिख रहे थे एसएन इज व्हाट, स्टेप रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट, एसएन जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे दी है 2.4 है। एन इक्वल टू जीरो का इंडेक्स लाइन कहां पर है, 2 पर है। ओके, ये दिया गया है फॉर स्टेप इनपुट। ओके, फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर द इनपुट एफ एन इक्वल टू 1.3। अब इनका कहना यह है कि 1.3 अप्लाई करने पर आउटपुट क्या जनरेट होगा वो बताओ। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यानी कि इफ एफ एन इक्वल टू दिस 1.3 इज अप्लाइड एज अ इनपुट, देन व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स वाई एन, वो हमें पूछा गया है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं दो अप्रोचेस से कर सकता हूं, कम से कम एक अप्रोच से तो आप लोग इसको ट्राई कर ही सकते हैं। ओके, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू एटलीस्ट ट्राई बाय यूजिंग ओनली वन मेथड, और इफ यू आर गेटिंग बोथ द मेथड्स देन यू मे ऑल्सो ट्राई बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स। कोई भी मेथड आपको क्लिक कर रहा है उससे आप कर सकते हैं पहली चीज, या तो आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरे मेथड से भी आप, दूसरा मेथड क्या मतलब, कोई भी मेथड से आप करें इसको आंसर करें। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखें UN अप्लाई करने पर दिया है SN इक्वल टू 2.4। सिस्टम कौन सा है, लीनियर टाइम इनवेरियंट, यानी कि सुपरपोजिशन फॉलो होगा, होमोजेनिटी फॉलो होगी, टाइम इनवेरियंट नेचर फॉलो होगा। यानी कि इनपुट डिले, आउटपुट भी इसी अमाउंट से डिले होगा, इनपुट में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, आउटपुट में भी उसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? दो इनपुट्स को ऐड कर दिया तो उनके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है एलटीआई सिस्टम का। ओके, अब हम जानते हैं, वी नो दैट एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द यूनिट स्टेप सिग्नल। यानी कि इस सिग्नल को अगर मैं ग्राफ पर डिनोट करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये ऐसा होगा, n इक्वल टू 0 पर एफ एन की वैल्यू कितनी है 1, n इक्वल टू 1 पर इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है 3, 1 पर कितनी है 3 और 0 पर कितनी है 1, ये हमारे पास एफ ऑफ एन है। क्या मैं इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एफ ऑफ एन को यू एन के टर्म्स में लिख सकता हूं, सही यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, कैसे लिखेंगे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर सैंपल की वैल्यू चेंज होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम को, और जितना चेंज होती है वो कोफिशियंट, तो जी माइनस वन पर देखें तो सैंपल वैल्यू कितनी है 0, चेंज कितना हुआ है एन इक्वल टू 0 पर 1, 1 माइनस 0 इज द चेंज ना, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं यू एन प्लस, अब एन इक्वल टू 1 पर देखो कितना हो गया सैंपल का वैल्यू 3, n इक्वल टू 2 पे कितना हो गया 0,
यानी कि एफ ऑफ एन में हम देखें तो सैंपल की वैल्यू कब कब चेंज हुई है, एक तो जीरो पर हुई है, एक वन पर हुई है और एक टू पर हुई है, क्लियर है। कितना चेंज हुई है वो कोफिशियंट है, यानी कि पहले मैं क्या लिख दूंगा कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो वो ये तीन है, जीरो, वन और टू, क्लियर। जीरो पर कितना चेंज हुई है, वन हो गई है, इनिशियल कितना जीरो, तो वन, यहां पर कोफिशियंट कितना आएगा वन, ओके वन डॉट टू। वन पर देखो कितना चेंज हुई है, वन पर था सैंपल वैल्यू एन इक्वल टू जीरो पर, एन इक्वल टू वन पर सैंपल वैल्यू थ्री हो गया, चेंज कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना थ्री, इनिशियल कितना है वन, तो थ्री माइनस वन यानी कि प्लस टू का चेंज हुआ है, ओके। एन इज इक्वल टू टू पर अगर आप देखें तो सैंपल की फाइनल वैल्यू हो चुकी है जीरो, इनिशियल कितना है यानी वन पे कितना है थ्री, तो फाइनल माइनस इनिशियल है यानी माइनस थ्री। ये हमारे पास इस सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है इन द टर्म्स ऑफ यू एन, ओके। इतनी बात समझ में आती है, इसको नोट कर लें, स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी और फटाफट से लिख लें इसको, लिख लिया आपने, चलिए। अब मैं आपसे बोलूं कि हम जब यूएन अप्लाई कर रहे थे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं इसको डेफिनेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा एक बार, ओके, और नेक्स्ट टाइम आई विल डील दिस क्वेश्चन विद अ डिफरेंट अप्रोच, ओके। दो अप्रोच से हम इसको हैंडल करेंगे, दैट विल गिव यू मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखिएगा, यूएन हमने अप्लाई किया, देन स्टेप रिस्पॉन्स एस एन वॉज ऑप्टेन हियर, दैट वॉज वॉट 2.4 एग्जैक्टली। अब मैं आपसे बोलूं कि हम इसमें किसी अमाउंट से शिफ्टिंग कर दें, है ना, क्या कर दें, यू को यू एन माइनस वन बना दें, तो जो मैं बोल रहा हूं यहां पर एस एन जो वाई आया है क्या वो भी एन माइनस वन हो जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इट इज अ टाइम इनवेरियंट सिस्टम, दिस इज लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें किसी कॉन्स्टेंट टू का मल्टीप्लाई कर दूं इनपुट में, ऐसा हमने कई बार किया है ना, तो वही टू यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि un इनपुट भेजने पर आउटपुट आया sn, तो हम अगर बोले 2 u ऑफ n माइनस भेजने पर क्या आएगा, बोलो जल्दी से क्या आएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो समझ में आएगा कि यहां पर भी क्या आएगा 2sn माइनस 1 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी टाइम स्केल पर 1 से क्या करें डिले कर दें, राइट शिफ्ट कर दें, तो 2.4 को राइट शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा 0.2.4 आएगा, लेकिन हमें साथ में हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो किया है, तो सभी सैंपल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा 8, यानी कि क्या आएगा 0.4.8, ये आ गया 2sn माइनस 1, ये एलटीआई सिस्टम पर हमने ये भेजा तो आया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3u ऑफ n माइनस 2 है, माइनस 3 है, तो अगर मान लीजिए मैं इनपुट में ऐसा करूं 3u ऑफ n माइनस 2, तो जो sn है वो भी क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी ऐसा हो जाएगा माइनस 3sn माइनस 1 हो जाएगा, यस एग्जैक्टली, क्लियर है। तो देखो माइनस 3 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से 2 है ना, सॉरी ये 1 से नहीं 2 से शिफ्ट होगा, सॉरी विल बी शिफ्टेड बाय 2, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिले कर देंगे राइट साइड, देखो 3 इंटू 2 कितना हुआ माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 12 और उधर पहुंच गया अलग, है ना, तो कितना हुआ 0.0, -6, -12 और ये इंडेक्स आया कहां पर, यहां पर ये हमारे पास जनरेट हो गया। ये 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर किए जाने पर इनपुट पर आउटपुट पर भी हो गया, इस बात का मतलब है होमोजेनिटी फॉलो हो रही है, यहां पर यूएन को 1 से डिले किया आउटपुट भी उतने ही 1 से डिले हो गया, इसका मतलब है टाइम इनवेरिएंट फॉलो हो रहा है, क्लियर है। यहां पर भी माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहां पर भी हो गया, तो देखो ये माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 से इसको शिफ्ट किया यूएन को, तो ये भी क्या हो गया 2 से शिफ्ट हो गया और ये जनरेट हो गया, ओके। अब मैं इन सबको अगर ऐड कर दूं, किन सबको ऐड कर दूं इनपुट साइड पर, इस पूरी ग्रुप को ऐड कर दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वही तो एफ एन है, क्या है वो, देखो यू एन प्लस 2 यू एन माइनस 1 माइनस 3 यू एन माइनस 2, ये है ना, इसको अप्लाई करूं तो आउटपुट क्या जनरेट होगा एलटीआई सिस्टम से, आउटपुट जनरेट होगा जिसको हम बोल रहे हैं वाई एन इक्वल टू क्या आएगा, देखो एस एन जो कि इससे जनरेट हुआ है यू एन से प्लस 2 यू एन माइनस 1 से क्या जनरेट होगा 2sn माइनस 1। प्रैक्टिस जब होती है ना तो इतना कुछ नहीं लिखता कोई, सीधे ये लिखते हैं और जोड़ के आंसर, ठीक है ना, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं सो दैट हम इतना इसमें दिमाग पच्ची कर रहे हैं।
देखो माइनस थ्री यू एन माइनस टू यानी कि माइनस थ्री एस एन माइनस टू, इन सबको जोड़ दो बाई एन मिल जाएगा आपको। चलिए अब एस एन की वैल्यू देखो कहां पर कैसे कैसे, एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुए सारे। देखो जीरो पर ये टू है, ये जीरो है, ये जीरो, टू प्लस जीरो प्लस जीरो कितना होता है टू, एन इक्वल टू जीरो पर सैंपल लिख दिया। ओके आगे देखते हैं वन पर इसकी वैल्यू देखो कितनी है, फोर, इसकी कितनी है फोर प्लस एट प्लस जीरो कितना हुआ फोर प्लस फोर एट सॉरी फोर प्लस जीरो कितना हुआ एट। ओके इसकी वैल्यू एन इक्वल टू टू पर कितनी है जीरो प्लस एट माइनस सिक्स कितना हुआ प्लस टू। ओके इसकी वैल्यू एन इज इक्वल टू थ्री पर कितनी है जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस ट्वेल्व कितना हुआ माइनस ट्वेल्व। ये हमारे पास जनरेट हो गया वाई एन। अब जरा स्क्रीन को रोक दो और जल्दी से इसको नोट कर लो, आप लोग लिख लो फटाफट, लिख लिया सभी ने। ओके नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग अनदर अप्रोच मेथड टू। मेथड वन मैंने डिस्कस कर दिया है, पल्ले पड़ गया सभी को, मेथड वन समझ में आया, मेथड वन हो गया भैया ये, मुझे उम्मीद है आप लोगों से समझ में आ गया होगा सभी को, आ गया समझ में। चलो अब इसको मैं मेथड टू से आपको करके दिखाता हूँ। देखो मेथड टू में हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस समझना क्या है। देखो लिख लिया आपने, नोट कर लिया, चलिए अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम जनरेट रिस्पॉन्स वाई एन टू कॉमा फोर। देखो यहां पर इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो एस एन है स्टेप रिस्पॉन्स की जो वैल्यू दी गई है वो दी है इन्होंने टू कॉमा फोर, ठीक है, एन इक्वल टू जीरो पर एस एन है इस तरह से टू कॉमा फोर दी है आपको। ओके और जो इनपुट है एफ एन वन कॉमा थ्री उस पर आपसे पूछा है कि आउटपुट क्या आएगा, है ना, यही पूछा। एफ एन अगर अप्लाई कर दिया जाए क्या 1.3 देन व्हाट विल बी द आउटपुट वाई एन, ये जानना चाहते हैं, ये इनका मुद्दा है ना, यही क्वेश्चन है। एलटीआई सिस्टम है, ठीक है भैया एलटीआई सिस्टम है, सिंस इन द एलटीआई सिस्टम, मैं मेथड टू की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आसान है आपको आता भी है ये अप्रोच, बस थोड़ा सा मुझे क्लिक कराना है आपको। एलटीआई सिस्टम में हम जानते हैं कि वाई एन इक्वल टू क्या होता है एफ एन कन्वॉल्व एच एन होता है, लेकिन एच एन क्या होता है, एच एन इज द इंपल्स रिस्पॉन्स, एच एन क्या है इंपल्स रिस्पॉन्स, एच एन क्या है इंपल्स रिस्पॉन्स, लेकिन एच एन को हम जानते हैं ये होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अभी याद आ गया। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 2.4, एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है। एस एन माइनस वन लिखना हम जैसे विद्वानों के लिए कोई बड़ी चीज तो है नहीं, क्या करेंगे इसको डिले कर देंगे कितने से वन से, तो 0.24 हो जाएगा, सही है कि नहीं, जीरो पे आ जाएगा जीरो और ये 2.4 किया गया, दिस इज व्हाट एस एन माइनस वन। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा एच एन, कितना आ रहा है एच एन देखना, एन इज इक्वल टू जीरो पे इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है टू, टू माइनस जीरो किया, ये एन जीरो पे कितना है जीरो है ना, तो टू माइनस जीरो यानी कि जीरो, यहां पर एन इक्वल टू जीरो का लिखा। वन पर इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है फोर, तो फोर माइनस टू कितना आएगा टू, टू पर सैंपल वैल्यू कितनी इसकी जीरो, इसकी कितनी है फोर, फोर जीरो माइनस फोर कितना आएगा माइनस फोर। ये हमने क्या लिखा इंपल्स रिस्पॉन्स। भाई साहब ध्यान से समझो कि अगर हमारे पास एफ एन आ गया है, क्या आ गया है एफ एन आ गया है व्हाट इज 1.3 दैट इज ओके, और एच एन आ गया है क्या है एच एन 2.2 माइनस 4, तो क्या वाई एन निकालना बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे वाई एन इज इक्वल टू, अरे जल्दी से बोलो वाई एन इज इक्वल टू एफ एन कन्वॉल्व एच एन। एफ एन को ध्यान से देखें तो जो एफ एन है ना वो फाइनाइट लेंथ का है 1.3 है, एच एन भी क्या है फाइनाइट लेंथ का है, क्या करें टेबुलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो एनालिटिकल से कर सकते हैं, मैं यहां पर टेबुलेशन से कर रहा हूं, आई रियली अप्रिशिएट दैट मेथड बिकॉज ओके। चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, देखें वीडियो सॉल्व इट बाय यूजिंग टेबुलेशन अप्रोच। So here I'm writing Fn, here I'm writing Hn, Hn क्या है देखो 2.2 माइनस 4 ऐसे लिखा, Fn क्या है 1.3 आगे 0 है 1.30 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 × 2 किया 2 माइनस 4 ओके 3 × 2 किया 6 3 × 2 माइनस 4 किया -12 0 0 0 0 लिखने की जरूरत भी नहीं थी 0 को, तो अब क्या करें बॉर्डर बना देते हैं भारत पाकिस्तान का, देखो ये बन गया, ये बन गया। अब हमें लिखना है वाई एन, याद करो कुर्बानी है ना, टू
डायगोनली ऐड कर दो एलिमेंट्स को, है ना, एन इक्वल टू जीरो पे कितना है टू, स्टार्ट कहां से हुए दोनों एफ एन भी एच एन भी जीरो जीरो से, तो वाइन कहां से स्टार्ट होगा जीरो से, ये इंडेक्स आ गया जीरो पर, टू प्लस सॉरी टू कॉमा सिक्स प्लस टू यानी कि एट, सिक्स माइनस फोर कितना हो गया टू माइनस ट्वेल्व, बाकी सब जीरो तो लिखने जरूरत नहीं है, ये आंसर आ गया वाई एन। देखो क्या सेम आएगा, कुछ करेक्शन कर दिया हमने, गड़बड़ तो नहीं कोई, वाई एन कितना आया देखो यहाँ पर कितना आया था 282 माइनस ट्वेल्व, वॉट अबाउट दिस 282 माइनस ट्वेल्व, द सेम आंसर वी हैव ऑब्टेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेथड समझाना मेरा काम था तो मेथड मैंने आपको सिखा दिया, इसको स्क्रीन को रोक दो, है ना, धरती को रोक दो एकदम और नोट कर लो इसको, मेथड इतना पहले लिख लो, लिख लिया स्क्रीन रोक के आपने, यहाँ तक लिख लिया एच एन तक लिख लिया ना, देखो यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे का भी लिख लो, ये टेबुलेशन मेथड को लिख लो, नोट हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।